dear student, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 197, and our topic of discussion is self-compassion break. जब हम सेल्फ कंपेशन ब्रेक का वर्ड यूज करते हैं इट वुड मीन कि हम अपने लिए कुछ वक्त वो निकाल सकें हम अपने बारे में सोच सकें हम अपने ऊपर फोकस कर सकें बिकॉज उसी से हम दूसरों पर भी तवज्जो वो दे पाएंगे इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि सेल्फ कम्पैशन ब्रेक में हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि हमारे अपने कंसर्न में वो बेहतर चीज़ें क्या हैं इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं होगा कि हम सेल्फिश होने की बात कर रहे हैं इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फिशनेस इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट फॉलिंग इन लव विद योर सेल्फ इट इज़ बेसिकली सेल्फ कम्पैशन जिसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर तवज्जो करें ताकि हमारी तवज्जो दूसरों के लिए भी वो अपनी जगह वो बना सके उस मकसद के लिए याद रखें कि हमें दूसरों को ट्रीट करने से पहले सबसे पहले यह देखना है कि हम अपने आप को ट्रीट वो कैसे करते हैं अनलेस बिकॉजल हम अपनी हम अपने ट्रीटमेंट को पॉजिटिवली लेकर नहीं आएंगे तब तक हम दूसरों के साथ भी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमें करना चाहिए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इट इज सेट इन ए वेरी कॉमन फैशन दैट सेल्फ कंपेशन हम दूसरों को जरूरत के वक्त मदद देते हैं उस तरह सबसे पहले हमें अपनी मदद आपके तहत अपना ख्याल भी रखना है जिसमें हमारी काइंडनेस टू अवर सेल्फ अवर वॉर्म टू अवर सेल्फ एंड अवर रिस्पेक्ट टू अवर सेल्फ ये चीजें बहुत अहम है अब सेल्फ कंपेशन ब्रेक में इट इज सेड के वेन यू नोटिस दैट यू आर अंडर स्ट्रेस और आर इमोशनली अपसेट See if you can locate where the emotional discomfort resides in your body. Where do you feel it the most? Then say to yourself slowly. For example, this is a moment of struggle. That's mindfulness. See if you can find your own words such as this hurts, this is tough, or ouch. What does that mean? इसका मतलब यह है कि दरअसल आप अपने आप को वो allocate कर रहे हो बूस्टफुल्जाम्पल वी कैन से टू अवर सेल्फ अदर पीपल फील दिस वे आई एम नॉट अलोन तो ये चीजें कहने से आपको एक एहसास होगा कि शायद आप अकेले नहीं हो इस सारे ट्रबल और ट्रॉमा के अंदर सो नाउ यू पुट योर हैंड ओवर योर हार्ट वेदर इट फील्सिंग द वॉर्म एंड जेंटल टच ऑफ योर हैंड्स एंड से टू योर सेल्फ तो आपको अब अपने आप को मनाना है समझाना है बताना है कि इस सारे अमल के अंदर आपका रोल वो मुस्बत है पॉजिटिव है अपने अंदर एनर्जी को फील करना है ताकि आप दूसरों की मदद भी कर सको और ये चीज हमारे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत अहम है द थर्ड एस्पेक्ट इसके बारे में कहा जा रहा है कि मे आई बी काइंड टू माई सेल्फ

हम ये चीज जान पाते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी वो किस तरह से हमारे अंदर कंसेंट्रेट वो हो सकती है जब हम अपनी अपनी पॉजिटिविटी को अपने अंदर कंसनट्रेट कर पाएंगे तब हमारे पास वो काबिलियत आएगी वो कंपिटेंसी डेवलप होगी जिससे कि हम दूसरों को सपोर्ट और प्रमोट वो कर सकें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट अवर सेल्फ गॉड हैज गिवन अस वन लाइफ एंड वी हैव टू यूज इट वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे सो सेल्फ कंपेशन के होने से हम अपनी भी केयर कर पाते हैं और उस केयर के होने से हम दूसरों की केयर भी सही तौर वो कर सकेंगे थैंक यू